नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और दोस्तों, दीवों के दीव महादीव माने जाते हैं। महादीव की मर्जी के बिना दोस्तों एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो दोस्तों, महादीव चाहे तो अपनी आँखें खोले बिना पहाड़ को भी गड्ढी के अंदर बदल सकते हैं। ऐसा प्रभाव मेरे महादीव के अंदर देखने को मिलता है, जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी निर्जीव या किसी भी संजीव या किसी भी काल के अंदर देखने को नहीं मिलता। इतना ज़्यादा दोस्तों प्रभाव केवल और केवल महादीव का ही माना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि दोस्तों, अगर व्यक्ति निराश होता है, हताश होता है, उसे कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो दोस्तों उसका रास्ता एक ही होता है, साक्षात भोलेनाथ का द्वार, साक्षात भोलेनाथ का मंदिर, जहां पर वह जाकर दोस्तों अपने जीवन को बदल सकता है, अपने जीवन के अंदर खुशियां लेकर आ सकता है, उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, नाराज भी भोलेनाथ अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसी प्रकार से नाराज भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भोलेनाथ पर इस प्रकार का जल चढ़ाते हैं तो दोस्तों आप कभी भी मत चढ़ाए, अन्यथा भगवान प्रसन्न होने के बजाय और नाराज हो गए। और दोस्तों, इस संसार के अंदर अगर भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए तो समझ लीजिए आपको कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, कभी भी भगवान भोलेनाथ को जल लेकर जाएं तो प्लास्टिक के पात्र या प्लास्टिक की थैली के अंदर आप जल दूध आदि नहीं लेकर जाएं। हमेशा आप तांबे के लोटे, पीतल के लोटे या फिर आप स्टील के लोटे के अंदर जल लेकर जाएं, ताकि उस जल की पवित्रता, उस जल की सार्थकता बनी रहती है और उसका दुर्व्यवहार देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों, जब भगवान भोलेनाथ को आप जल लेकर जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, हमेशा भगवान भोलेनाथ को पवित्र जल स्रोतों का जल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे कि आप बावड़ी का जल, किसी तालाब का जल, किसी नदी का जल चढ़ाएं, और या फिर आप क्या करें, अगर आपके पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बैठती है तो घर के जल के अंदर आप गंगा जल डालने के तत्पश्चात आप भोलेनाथ को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, घर के जो भी बर्तनों से आप जल लेते हैं वह गंदे, मेले या जूठे नहीं होने चाहिए। अगर इस प्रकार के होते हैं तो भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज भी हो सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, भगवान भोलेनाथ को जिस प्रकार आप बिना स्नान किए हुए जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, आपको स्नान करना जरूरी होता है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भोलेनाथ को आप जो जल का लोटा होता है या जल होता है उसे भी बिना कि वे स्पर्श नहीं करें। अगर आप गंदगी के साथ उसे स्पर्श करते हैं तो दोस्तों आपको इसका फायदा देखने को नहीं मिलता, बल्कि हो सकता है किसी प्रकार का नुकसान आपको देखने को मिल जाए। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना आपके साथ नहीं हो। और दोस्तों, महिलाओं की भोलेनाथ के अंदर विशेष आस्था होती है और भगवान भोलेनाथ उन्हें आस्था के स्वरूप परिणाम भी देते हैं। लेकिन महिलाएं भी ध्यान रखें, कभी भी खुले बाल रखकर भोलेनाथ को जल अर्पित नहीं करें। आपके और इस बात का ध्यान रखें, जो जल आप चढ़ाते हैं या कोई भी सामग्री आप चढ़ाते हैं उसके अंदर महिलाओं के बाल नहीं होने चाहिए। अगर इस प्रकार की आपकी गलती हो गई तो भोलेनाथ आपसे बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और आपको आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का फायदा देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह महिलाएँ अपने मासिक धर्म के दौरान, अगर आप अपने मासिक धर्म के अंदर हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से बचना चाहिए। आप इंतजार कर लीजिए, उसके बाद जल चढ़ाएं। आप ऐसे ही भगवान भोलेनाथ को हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मांगेगी तो भी वह आपसे प्रसन्न होंगे। उन दिनों के दौरान आपको जल चढ़ाने से बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह कई लोग भोलेनाथ को बदनाम करते हैं और आज का युवा तो बहुत ज़्यादा इस गतिविधि के अंदर है कि नशीली चीज़ों के साथ भगवान भोलेनाथ को दिखाता है। इस प्रकार की गलती आपको भूल कर भी
नहीं करनी चाहिए। आपको भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। आपके मुख के अंदर किसी प्रकार की नशीली चीज नहीं होनी चाहिए। आप शुद्ध सात्विकता के साथ जाकर ही भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें, और जल अर्पित करते समय चमड़े से बनी चीज़ें या चमड़े से जुड़ी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको धन लाभ देखने को मिले, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार दुर्भाग्य देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।